हेलो अरुण, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोलकाता दुष्कर्म और हत्याकांड केस को लेकर स्वतः संज्ञान लिया गया है। इस मामले की सुनवाई यहां पर 20 तारीख से शुरू होगी। देखा जाए तो 9 अगस्त को कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ गैंग रेप या हम कहें रेप को लेकर के न्यूज़ आई, उसके बाद उसकी हत्या की भी खबर आई और साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया कि इसमें कई लोग भी शामिल हैं। मामले की जांच पड़ताल यहां पर पहले कोलकाता पुलिस कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद यहां पे हाई कोर्ट ने मामला जो है सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने जांच शुरू की तो यहां पे तोड़फोड़ की घटनाएं यहां पर सामने आई। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एक तरीके से इसमें कई लोगों के शामिल होने की बात आई। मामले को छुपाने के भी प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर आम लोगों से लेकर खास लोगों तक भारत में लड़कियों की सुरक्षा और भारतीय यहाँ पे डेंटिस्ट जिसके साथ इस तरीके की घटना हुई है उसकी न्याय मिले, इंसाफ मिले, दोषियों को यहाँ पे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसको लेकर के मुहिम चलाई जा रही है। और साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट इस केस को किस तरीके से निर्धारित करेगा, क्या यहाँ पर मामले की त्वरित सुनवाई की जाएगी, क्या अन्य दोषियों को इसमें पकड़ा जाएगा, सीबीआई रिपोर्ट यहाँ पर कब तक सौंपेगी और मामले को लेकर के अभी तक यहाँ पर क्या क्या घटित हुआ है, इस पूरे मुद्दे का हम यहाँ पर आज विश्लेषण करने जा रहे हैं। मामला क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक चर्चा करने लायक नहीं है बल्कि सोचने लायक भी है और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ शेयर भी करने लायक है, क्योंकि भारत में लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, चाहे वो निर्भया कांड हो, चाहे यहाँ पे कठुआ गैंगरेप के मामले हों या फिर अब कोलकाता में इस तरह की घटनाएं। नाम सिर्फ कुछ ही लिए गए हैं लेकिन नामों के पीछे कई सारी घटनाएं भी हैं, कई ऐसे भी हैं जो शायद यहाँ पर इस तरह न्यूज़ का यहाँ पर हिस्सा भी नहीं बन पाती हैं। तो अब समय आ गया है कि भारत में न सिर्फ यहाँ पे कानून बल्कि आम लोगों से लेकर खास लोगों तक, पुलिस से लेकर प्रशासन तक, सरकार से लेकर के यहाँ पर पेरेंट्स तक, सभी को जागरूक होकर एकजुट होकर इस तरीके के यहाँ पे न्याय कानून व्यवस्था और यहाँ पे नैतिक नियम और मूल्यों को लागू करना होगा कि भारत में महिलाओं को, लड़कियों को यहाँ पर सुरक्षित बनाया जा सके। चलिए सबसे पहले यहाँ पर इस मामले में जो चर्चा का विषय है, जो घटना है, उसका यहाँ पर एक विश्लेषण करते हैं, समझते हैं इस पूरी घटना का एक एक करके क्रमवार विश्लेषण। आज जैसे कि जो चर्चा का विषय यहाँ पे बना है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रेप और मर्डर केस को लेकर के यहाँ पे स्वतः संज्ञान लिया गया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने रविवार यानी कि 18 अगस्त आज के दिन खुद नोटिस यहाँ पे लिया है। 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस जो है हमारे डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच मामले की यहाँ पर सुनवाई करेगी। बेंच में देखा जाए तो सीजीआई के अलावा जस्टिस जेबी पादरीवाल और जस्टिस मनोज मिश्र यहां पर रहेंगे, यानी कि 3 जजों की पीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई यहां पर की जाएगी। देखा जाए तो इस घटना के विरोध में देश भर में यहां पर डॉक्टरों के द्वारा प्रोटेस्ट यहां पर किया जा रहा है और ये प्रोटेस्ट जो है धीरे धीरे 9वें दिन तक खिंच चुका है। मामले की जांच इस समय वर्तमान समय में सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने बताया है कि आरोपी जो है जिसे पकड़ा गया है संजय, उसका साइकोलॉजिकल यहां पर टेस्ट किया गया है। वर्तमान समय की अगर हम आज के समय तक क्या क्या यहाँ पर घटित हो चुका है इस केस में, क्या क्या यहाँ पर अपडेट आ चुके हैं अगर उस पर नजर डालें, तो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विश्लेषकों की 5 मेंबर्स की टीम यह टेस्ट यहाँ पर कर रही है। इस टेस्ट से क्या पता लगाया जाएगा, देखिए इस टेस्ट के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि जघन्य अपराध को लेकर आरोपी संजय की मानसिकता क्या थी, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पर हमने न्यूज़ देखी है, जिस तरीके को लेकर के यहाँ पर शायद उसके बारे में बात कर पाना भी यहाँ पर अपने आप में झकझोड़ कर रख देता है। जिस तरीके से उस घटना को अंजाम दिया गया वो यहाँ पर एक अपराधी की मानसिकता किस हद तक जा सकती है, ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। कोलकाता पुलिस ने भाजपा की पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी पर भी यहाँ पर केस दर्ज किया है, उन्हें समन भेजा गया है। समन इसलिए भी भेजा गया है कि पुलिस ने कहा है कि लॉकेट के प्रदर्शन के दौरान ट्रेनी डॉक्टर की पहचान यहां पर उजागर की है और 3 बजे उन्हें बुलाया गया। देखिए किसी भी कह सकते हैं खासकर यहाँ पर मृतक या जो आरोपी इत्यादि हैं उनकी यहाँ पर पहचान उजागर बेसिकली नहीं की जाती है, लेकिन खासकर यहाँ पर जैसे कि जो डॉक्टर जिनके साथ ये घटना घटित हुई है उनकी यहाँ पर पहचान उजागर नहीं किया जाना चाहिए। और इसके अलावा कोलकाता पुलिस ने टीएमसी सांसद शुभेंदु शेखर को भी समन जारी किया है, उन्हें भी पूछताछ के लिए बनाया है, उन पर भी यहाँ पर अफवाह फर्जी खबरें फैलाने का ये आरोप लगे हैं। देखिए मामला इतना संगीन है कि इसके बारे में अगर आप सही बातें नहीं कर सकते हैं कम से कम गलत बातें यहाँ पर ना फैलाएं, लोगों को भ्रमित मत करें, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पर ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए, जहाँ पर यहाँ पर आपको एकजुट होकर काम करना होगा। कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो लोगों को यहाँ पर कुछ बुरा करके उन्हें यहाँ पर गलतफहमियाँ भी मत लाएं, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मामला है और महिलाओं की सुरक्षा भारत में एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता जा रहा है।
अगर हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर के, केस और हड़ताल को लेकर के, अभी भी देखा जाए तो लगातार अपडेट यहाँ पर जो आ रही हैं, देश भर में यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो लगातार यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस ने जो यहाँ पे एक नोटिस जारी करके लॉकेट चटर्जी को बुलाया है। इसके अलावा सीबीआई की टीम जो है आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 3D लेजर मैपिंग यहाँ पर कर रही है, जिसके माध्यम से, क्योंकि एक तोड़फोड़ की घटना देखने को मिली थी, सीबीआई को जैसे ये रिपोर्ट यहाँ पर, सॉरी ये केस सौंपा गया था, उसके बाद अस्पताल में देखा जाए तो यहाँ पे तोड़फोड़ की गई थी कि यहाँ पे हजारों लोग अचानक से घुस आए थे, जिसकी आलोचना भी यहाँ पे हुई और एक तरीके से मामले में जो केस थे यहाँ पे, जो सबूत है उसको मिटाने का प्रयास किया गया था। तो यहाँ पे एक लेजर मैपिंग के माध्यम से उसकी पूरी एक क्या हो सकता था, क्या ढांचा रहा होगा, किस तरह की चीजें नहीं होंगी, उसका यहाँ पे पता लगाया जाएगा। इसके साथ कोलकाता पुलिस ने आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर कुणाल सरकार, डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी को भी यहां पे नोटिस जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि दोनों डॉक्टरों पर केस को लेकर यहां पे अफवाह फैलाने के भी यहां पे आरोप लगे, यानी कि गलत जानकारी जो है यहां पर जारी की गई है। आरजी कर के मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई जो है लगातार तीसरे दिन पूछताछ कर रही है। संदीप घोष को 36 घंटे से यहाँ पे लगातार उनसे पूछताछ हो चुकी है। इसको लेकर के रेप और मर्डर केस के बाद यहाँ पे जो झूठी अफवाह फैलाई गई थी कि डॉक्टर जिनकी यहाँ पर हत्या की गई है उन्होंने आत्महत्या कर ली गई थी, ऐसी यहाँ पे सबसे पहले खबरें निकाली गई थी। 14 अगस्त को तोड़फोड़ हुई हिंसा के मामले में कोलकाता पुलिस ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक 32 लोग यहां पे अरेस्ट हो चुके हैं और पुलिस लगातार यहां पे आरोपियों से पूछताछ कर रही है। यानी कि जो लगातार अब तक अपडेट है इसमें वो तो हमने यहां पर देख लिया, लेकिन यहां पे देखिए सरकार और केंद्र यहां पे डॉक्टरों के हड़ताल के कारण मरीजों को भी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन जब तक न्याय नहीं तब तक यहां पर डॉक्टर कह रहे हैं कि जो बहुत इमरजेंसी केसेस हम वही देखेंगे, बाकी जब तक यहां पे न्याय नहीं हो जाता है, उचित समाधान नहीं निकलता है, तब तक हम यहां पर कोई भी अन्य नॉर्मल चीजें या मरीजों को नहीं देखेंगे। केंद्र ने यहां पे आदेश दिया है कि हर 2 घंटे में सभी राज्य अपने कानून व्यवस्था को लेकर के अपडेट यहां पर देते रहेंगे और ये 17 अगस्त को केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया था सभी राज्यों को, और साथ ही जो गृह मंत्रालय है वो कंट्रोल रूम से यहां पर सारी चीजों को लेकर अपडेट कर रहा है, राज्यों के साथ एक सलाह मशवरा कर रहा है और लगातार एक अपडेट यहां पर इस घटना को लेकर के ले रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है। देखा जाए तो धारा 163 जो है बीएनएस यहां पर, इसके तहत मेडिकल अस्पताल के आसपास, यानी कि 18 अगस्त से भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 163, जिसे सीआरपीसी की धारा 144 कहते थे, इसके तहत यहां पर देखा जाए तो अगले 7 दिनों यानी कि 24 अगस्त तक धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है और 5 से ज्यादा लोगों के जुटने, हथियार लेकर जाने, तनाव पैदा करने के किसी भी गतिविधि को यहां पर अनुमति नहीं होगी। यानी कि एक तरीके से लोगों को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी यहां पर नहीं करने दिया जाएगा और इस जो नया कानून है उसका एक दुरुपयोग भी यहां पर देखा जाए तो देखने को मिलने लगा है। इस तरह के यहां पर प्रदर्शन भी अब सरकार यहां पर बीएनएस का प्रयोग करके रोक लगाएगी, तो नए कानूनों की यहां पर जो समस्याएं हैं वो भी इसमें निकल कर आ रही हैं। अब डॉक्टरों की हड़ताल से किस तरीके का यहां पर असर पड़ रहा है अगर उस पर भी हम नजर डालते हैं तो यहां पे देखिए डॉक्टरों की हड़ताल से देश भर में अस्पतालों में मरीजों को लेकर के सेवाएं जो हैं वो यहां पे प्रभावित हुई हैं। दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी इमरजेंसी को छोड़कर सर्जरी आईपीडी सेवाएं यहां पर बंद कर दी गई, जिससे सैकड़ों मरीज परेशान हुए हैं। दिल्ली में की बात करें तो यहाँ पे रोजाना करीब 1 लाख से जो अधिक मरीज हैं उनके उपचार में अस्पतालों से यहाँ पे बिना उपचार के लौटना पड़ रहा है। हर रोज 250 से 300 सर्जरी भी यहां पर देखा जाए नहीं हो रही हैं। पिछले 6 दिन में करीब 6 लाख से अधिक मरीज जो हैं अपना इलाज नहीं करा सके और 2500 से ज्यादा देखा जाए तो सर्जरी भी यहां पर नहीं हुई है। अब चलिए बात करते हैं कि कोलकाता जो रेप मर्डर केस रहा है इसको लेकर के किस तरीके की पूरी घटना घटित हुई है, अब तक टाइमलाइन क्या रही है, कब क्या घटित हुआ है, उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। घटना देखें 9 अगस्त की थी। 9 अगस्त के दिन हम देखें कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई। उनकी अर्धनग्न जो बॉडी थी वो कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिलती है, जिसके बाद एक हड़कंप मच जाता है। दोनों आंखें, मुंह प्राइवेट पार्ट से देखा जाए तो उनके खून बह रहा था, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पुलिस ने केस दर्ज किया और देश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों की यहां पे हड़ताल इसके बाद शुरू हो गई। 10 अगस्त के दिन देखा जाए तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी संजय को गिरफ्तार किया गया और उसने रेप और हत्या की बात को स्वीकार किया था। रेजिडेंट डॉक्टरों ने मेडिकल स्टाफ की सेफ्टी के लिए कानून बनाने और घटना की जांच जो है सीबीआई को सौंपने को लेकर के प्रदर्शन यहां पे शुरू कर दिया।
12 अगस्त के दिन देखा जाए तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया। इसके बाद दूसरे कॉलेज में उनकी नियुक्ति हो गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर के यहां पे याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में लगाई गई। 13 अगस्त के दिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया और 5 दिन में पुलिस ने कुछ नहीं किया, ऐसे में सबूत मिटाए जा सकते हैं। फेडरेशन ऑफ यहां पर देखा जाए तो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने यहां पर अपनी हड़ताल खत्म कर दी और उसके बाद यहां पर 14 तारीख को एक बार फिर से देखा जाए तो घटना नया मोड़ लेती है। 14 तारीख को सीबीआई को केस हैंडओवर किया गया और इसके बाद करीब 1000 लोग अस्पताल में घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, हिंसा जो होती है बड़े स्तर पे, 15 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं और 12 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जाता है, सबूत मिटाने की एक कोशिश की जाती है। 15 अगस्त की हिंसा के बाद देश भर में हड़ताल प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गए। FORDA ने फिर से हड़ताल शुरू कर दी, IMA ने भी ऐलान कर दिया और 17 अगस्त के दिन देश भर में यहां पर डॉक्टर ने हड़ताल शुरू की। 16 अगस्त के दिन CBI ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लिया। CM ममता ने दोषी को फांसी की सजा की यहां पर मांग की, रैली निकाली इसके लिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अस्पताल में हिंसा को लेकर पुलिस को फटकार लगाई और 17 अगस्त के दिन IMA के कहने पर देश भर में डॉक्टरों ने यहां पर हड़ताल रखी, ICU सिर्फ इमरजेंसी केसेस को यहां पर छोड़ करके। तो एक तरीके से पूरा जो देश है इस समय इस केस के कारण एकजुट है और एक न्याय की मांग की जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट यहां पर इसमें किस तरीके से फैसले लेता है, आने वाले समय में इसका यहां पर क्या परिणाम निकलता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अब हर एक व्यक्ति यहां पर यह चाहता है कि भारत में कैसा कानून बने और साथ ही साथ यहां पर नैतिक स्तर पर भी कि हमें देश में महिलाओं बहनों की सुरक्षा को लेकर किस तरीके के प्रयास करने होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।